नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। योगी के कैबिनेट मंत्री ने दिया विवादित बयान। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा, सरकार भी हमारी, राम मंदिर जरूर बनेगा। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को विलेन कहा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आंख मार सकता है, जबरदस्ती गले पड़ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पार्लियामेंट से पलायन कर सकता है, उसे हीरो तो नहीं कहा जा सकता लेकिन विलेन जरूर कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कहीं भी किसी धर्म यात्रा पर जाता है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, अगर ढिंढोरा पीटता है तो इसका मतलब है कि वो नाटक कर रहा है। वहीं सहकारिता मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर आई है, राम मंदिर हमारा आस्था का मसला है और राम मंदिर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा, सरकार भी हमारी, कार्यपालिका भी हमारी है, देश भी हमारा है, राम मंदिर भी हमारा है। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल, महसी विधायक सुदेश्वर सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। से आप ऐसा करेंगे अब जबकि जो है प्रारंभिक जांच की भी जरूरत नहीं है गिरफ्तार करने के लिए, अगर बाद में जांच में वो निर्दोष पाया जाता है तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे उसके ऊपर जो दंड मिल चुका है उससे उसको निजात मिले? मैगनीज में है, मैगनीज में केवल इतना ही है कि प्रशासन को ये पता लग जाए कि हमारा मुखिया ये चाहता है कि यदि फर्जी हुआ तो कार्रवाई होगी, इतना कहा जाना ही सबसे बड़ा मैगनीज है। उसका प्रभाव दिखना चाहिए और दिखेगा इस सरकार का। यात्रा प्रचार यात्रा है, धर्म यात्रा नहीं, धर्म मन से हुआ होता है, प्रचार के लिए नहीं होता। वो सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं और राजनीति और प्रचार के लिए कर रहे हैं, मन से धर्म यात्रा नहीं कर रहे। राहुल गांधी को कैसा नेता आप मानते हैं? राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं? बहुत बड़े परिवार में जो पला होता है व्यक्ति, वह समाज का चिंतन जिस दृष्टि से करता है उसमें वो गरीब को, पीड़ा वाले व्यक्ति का एहसास भी नहीं कर पाता, उसको हमेशा अपने मुंह में चांदी का चम्मच दिखता है। मुद्दे पे जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि अदालत में भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, जैसा भी फैसला होगा हमारी उस पर आस्था है। लेकिन जातिगत अगर देखा जाए, जो भी अति पिछड़ा एसटी का बिल आया उसके लिए जब अदालत ने कहा तो उसके विपरीत ये बिल बना और उसके बाद सारे कानून बन गए, तो क्या उसमें आस्था नहीं थी सरकार की? नहीं, आस्था है, अदालत तो हमेशा सम्मान की जगह है, पूरे सारे लोग वो करते हैं और भाजपा वाले तो उसका विशेष आदर करते हैं और उसमें हम आदर करते हैं, कहीं भी उसका अनादर का सवाल नहीं है, चाहे मंदिर का इशू हो चाहे इसमें। लेकिन कभी कभी समाज के लिए जब वो होता है तो कभी व्याख्या करके उसको नए से ठीक करना पड़ता है। मंत्री जी, जो एक ये विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें भाजपा के बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि विधायकों ने भी शिरकत किया, इसका विरोध जो है किया कि ये गलत हो रहा है और कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था कि इस तरीके से प्रारंभिक जाँच तब होगी, गिरफ्तारी तब होगी, ऐसा क्या वोट बैंक की राजनीति माना जाए बीजेपी का ये, या फिर ऐसी कोई कि कोर्ट के ही चीज को जो है आपने जो है ला करके कानून बना दिया उसको कि हम कोर्ट के इधर जा करके कानून बनाए? भाजपा के लोगों ने नहीं किया, व्यक्तिगत कोई कुछ भी कर सकता है और वो मुद्दा अब भी बरकरार रहेगा। नहीं, ये नहीं है, इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा होगा कि भाजपा मंदिर के मुद्दे पर आई है, भाजपा मंदिर भाजपा के लिए, भाजपा विकास के मुद्दे पर आई है, लेकिन मंदिर हमारा आराध्य है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने के बाद भी कृत संकल्प सुप्रीम कोर्ट में है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही है ना जी, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, न्यायपालिका भी, वो कार्यपालिका भी हमारी है, विधानपालिका भी हमारी है, मंदिर बनाने को देश भी हमारा है, मंदिर भी हमारा है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल, लोगों का कहना है कि 370 हटाते भाजपा के शासन में 377 हट गया, इस पर क्या कहना है आपका? क्या 370 हटाते, भाजपा ने कहा था 370 हटाएंगे, अब 377 हट गया, सामाजिक ताना बाना बिखरने की नौबत आ गई है, कई सारी पोस्टें आ रही हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, 370 और 370 में बहुत अंतर है, 377 CRPC का है और 370 संविधान का है, ये दोनों को एक ही में तालमेल करके करेंगे तब तो उसकी बात नहीं बनेगी। 377 हटा है उसको भी दुनिया ने सराहा है और 370 भी चिंता का विषय है। 377 CRPC है, CRPC नहीं, IPC है, अभी आपने CRPC निकल गया होगा।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।